बड्डो सिंध का एक खूबसूरत और हसीन पहाड़ी सिलसिला है और इस सरसब्ज इलाके का नाम बड्डो जबल से मंसूब है जो सतह समंदर से 3,500 फुट बुलंदी पर वाक़े है। ये काफी ठंडा इलाका है। जून जुलाई के मौसम में भी यहाँ काफी सर्द हवाएं चलती हैं। यहाँ हर किस्म के दरख्त और जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं, जबकि हर किस्म के चरिंद परिंद भी यहाँ मौजूद हैं। ये पहाड़ी सिलसिला 55 किलोमीटर तवील है, जबकि ये तमाम इलाका खूबसूरत पहाड़ी मुकामात से भरा हुआ है। सेवन शहर से बड्डो जबल का फासला 50 किलोमीटर है और ये इलाका जिला जामशोरों में वाक़े है। इस पहाड़ी सिलसिले पर 12 के करीब छोटी बस्तियां कायम हैं, जिनकी आबादी 2000 नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोगों का जरिए माश मवेशियों की खरीदो फरोख्त है। यहाँ के लोग मवेशी पालते हैं और इन्हें बड़ा करके मार्केट में फरोख्त कर देते हैं। यहाँ की औरतें बहुत जफाकश हैं, जो न सिर्फ अपने घर का काम करती हैं बल्कि ये पीच के पत्तों से चटाई, टोकरियां और झाड़ू भी बनाती हैं। छिनी बड़ियां त्रेडियां छिनो पोतेन पोवरी सुकायो पोवरी। पहले हम इनको काट कर लाते हैं, फिर इनको पानी में भिगो कर रखते हैं, फिर सुखाते हैं, टोकरियां बनाते हैं, चटाई बनाते हैं और घरों की छत भी बनाते हैं और हमारा गुजारा इसी पर है। सबको जो करो था असानी गुजराने ये फीसा थे। पीच के पत्तों को कीर्थर के पहाड़ी सिलसिले से लाया जाता है जो यहाँ से 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। उधर तो बहुत दूर है, ये तकरीबन 4 दिन तो उधर लग जाते हैं। इधर से जाते हैं शाम तक उधर पहुंच जाते हैं। ये उधर फिर 2 दिन कटाई करेंगे, फिर ये ऊंट पे जहाँ गधे पे रख के इधर लेके आते हैं, फिर वो एक दिन तो वो लगेंगे 4 दिन लग जाते हैं उनको। बीच में उनको तो साफ पड़ने देते हैं जानवर को जो होते हैं उनको, फिर इधर पहुंचते हैं जब ये उनकी फिर ये दूसरा इनको ये पानी में भेजा के रखते हैं। पानी में भेजा के उस फिर तो तोड़ना पड़ते हैं इनको, फिर इनको तोड़ना फिर रखना है, फिर जैसे ये नरम हो जाए फिर इससे फिर बाद में चटाई बनते हैं। यहाँ की खवातीन पीच से चटाइयाँ बुनने के अलावा रिवायती सिंधी कपड़ों पर कढ़ाई और सिलाई भी करती हैं। बड्डो जबल के लोग घर बनाने के लिए पहाड़ ही के पत्थर इस्तेमाल करते हैं। ये पत्थर बगैर सीमेंट के इस तरह खास तरतीब से रखे जाते हैं कि ये गिरने नहीं पाते। घरों की छत चटाई और लकड़ी से बनाई जाती है। बड्डो जबल का इलाका संगमरमर से मालामाल है और यहाँ नायाब संगमरमर पाया जाता है। बाज मुकामी ठेकेदार इस संगमरमर को निकलवा कर मार्केट में महंगे दामों बेच देते हैं। बड्डो जबल में गैस के वसी जखायर भी मौजूद हैं। यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी गैस निकालने का काम कर रही है। इस कंपनी की फंडिंग और तावुन से भिट रूरल सपोर्ट प्रोग्राम नामी एक गैर सरकारी तंजीम इलाके में पीने के साफ पानी और तालीम जैसी बुनियादी सहूलतें भी फराहम कर रही है। इस गैर सरकारी तंजीम ने इलाके में 2 प्राइमरी स्कूल भी कायम किए हैं, जहाँ 2 टीचर तैनात हैं जो यहाँ के बच्चों और बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। ये 56 स्कूल कहलाते हैं, जबकि एक स्कूल की इमारत 4 लाख की लागत से अभी जेरे तामीर है। जो बड्डो जबल एरिया है 12 गांव उसमें आते हैं, वहाँ पे हमने 2 स्कूल प्राइमरी खोले और 1 स्कूल तालीम बालगान के लिए सेंटर खोला है। 1 स्कूल जो है वो मोहम्मद गैंचो गाँव है, वहाँ पे हमारे 46 बच्चे स्कूल में दाखिल हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं। और ये जो सज्जन का जो स्कूल है ये भी बड्डो का एक गांव है, वहाँ पे 41 बच्चे पढ़ रहे हैं। दोनों में बच्चे और बच्चियाँ साथ पढ़ रही हैं। टीचर हमने वहाँ पे मकामी जो है वो रखे हैं, वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उनको हम तनख्वाह दे रहे हैं।
बिट रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ने तमाम गोठों में पानी स्टोर करने के लिए वाटर टैंक्स भी कायम किए हैं, जहां वाटर टैंकर के जरिए बस्तियों को पानी सप्लाई किया जाता है। इलाके के बच्चे और बच्चियां इसी वाटर टैंक से पानी भरते हैं और अपनी जरूरियात के मुताबिक यहां से पानी ले जाते हैं, जबकि बरसाती पानी को स्टोर करने के लिए 3 तालाब अलग से बनाए गए हैं। इन तालाबों में 4 से 6 महीने तक पानी स्टोर होता है और ये पानी मवेशियों को पिलाने के काम आता है। हमने 3 तालाब बनाए जिसमें बरसात के पानी जमा होते हैं, और हमारा एक वाटर टैंकर है जो हमने यहाँ पे गांव में 7 वाटर टैंक बनाई है। वो हमारा वाटर टैंकर जो है वो वीकली उन टैंक्स में पानी डालता है और ये लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड्डो जबल में इलाज मालजे की सहूलत ना होने के बाइस लोग मीलों सफर तय करके सहवन जाते हैं और जिसके बाइस लोग परेशान भी हैं। हमारे यहाँ इलाज मुआवजे की सहूलत मुयस्सर नहीं है, इसलिए हमें सेवण जाना पड़ता है। कभी गाड़ी मिलती है, कभी नहीं मिलती। 8-10 दिन भी गुजर जाते हैं। कभी कभी हम इसी बीमारी की हालत में ही रहते हैं। सेवण में कर आई हूँ, दादू में कर आई हूँ। बिट रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इलाके में इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए एक डिस्पेंसरी की इमारत भी तामीर कर रही है, जो तकमील के आखिरी मराहिल में है। इस तरह इलाके में इलाज मालजे की सहूलत भी मैसर आ जाएगी। चंद साल कबल हुकूमत ने बड्डो जबल में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और एक टीबी अस्पताल के मंसूबे का आगाज किया था। अगरचे इन मंसूबों पर 80% काम मुकम्मल हो गया था, ताहम बाद में ये मंसूबे ताखीर का शिकार हो गए, जो ताहाल सर्दखाने में पड़े हुए हैं। इन मंसूबों की वजह से यहाँ बिजली के खंभे तो नस्ब हुए और पानी बजरिया पाइपलाइन का मंसूबा भी मुकम्मल हुआ, ताहम मंसूबे न मुकम्मल होने की वजह से बिजली और पानी दोनों की फराहमी बंद है। अगर इन मंसूबों को मुकम्मल कर लिया जाए तो यहाँ के रहने वाले पानी और बिजली की सहूलतों से इस्तेफादा कर सकेंगे और किसी हद तक बेरोजगारी का खात्मा भी हो सकेगा। काफी ठंडा इलाका है और बड़ा पोटेंशियल है, हिल स्टेशन उसमें डेवलप हो सकता है। वहाँ पे कुछ स्कीमें जो हैं वो सैयद अब्दुल्ला शाह मरहूम जो है जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने शुरू की थी। उसमें एक टीबी सैनिटोरियम है, एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है और कुछ और स्कीमें हैं। अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ जो है जो तवज्जो है वो कम हो गई और वो रास्ते में उनको छोड़ दिया गया, वो रह गई। अबंडेंट स्कीम्स हैं। इस गवर्नमेंट के आने के बाद उनमें दिलचस्पी जो है दोबारा ले रहे हैं, सब साहब अख्तियार जो है वो भी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके एस्टीमेट्स वगैरह जो है वो बने हैं कि उसको बहाल करने में कितना खर्चा आएगा, उसके एस्टीमेट जो है ना वो बन चुके हैं। और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ये इस पे काम दोबारा शुरू हो जाएगा। अभी तक जो वो स्ट्रक्चर्स बने हैं बड़ी अच्छी कंडीशन में, बड़ा अच्छा काम हुआ था। तो ये कोशिश है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पे जो है काम शुरू हो जाएगा। बड्डो जबल की चढ़ाई से पहले खाई के इलाके में 7 कदीम गार मौजूद हैं जो अभी तक सही हालत में हैं। इनको सिंधी में सतघड़ियों कहा जाता है, यानी 7 घर। पुरानी रिवायत के मुताबिक यहाँ किसी जमाने में परियां रहती थी। ये घरनुमा गार हैं और देखने से ताल्लुक रखते हैं। बड्डो जबल कुदरती खूबसूरती और फितरी हुसन से मालामाल पहाड़ी इलाका है। इसकी खूबसूरती और हुसन को मजीद निखारने के लिए हुकूमती इदारों को यहाँ तरक्याती मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाना चाहिए।